हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये दो क्वेश्चन जो आपको जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारी दिक्कत होती है। चलो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर कह रहे हैं कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, वन ऑफ द नंबर एक्सीड्स। देखो यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है इसमें आपको ये फंसा सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वन ऑफ द नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 9, तो एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से एक्सीड कर जाता है 9 से। फाइंड द नंबर्स, तो आपको बताना है नंबर्स क्या है। अब देखो तो यहाँ पर हमें वो नंबर्स नहीं दिए हैं, बट यहाँ पर हमें जो है वो सम दिया है। तो सम कितना है 25। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी एक नंबर में से क्या है वो एक्स है। तो अगर एक नंबर एक्स होगा तो दूसरा नंबर आप बताओ क्या हो जाएगा वो हमारा। अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तब आपका यहाँ पर 25 आएगा, ठीक है। एक नंबर एक्स हो गया तो दूसरा नंबर हमारा क्या है 25 माइनस एक्स। यानी कि जो एक नंबर है वो एक्सीड कर जाता है दूसरे नंबर से बाय 9। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक नंबर जो एक्स है वो देखो ये हमारा हम बोल सकते हैं कि ये पहला नंबर है और ये नंबर जो है वो अदर वाला है, दूसरा नंबर है, ठीक है। तो एक नंबर मतलब ये नंबर आप किसी में से किसी को सेपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x जो है वो दूसरे नंबर से मतलब 25 माइनस एक्स से एक्सीड कर जाता है कितने से 9 नंबर से इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x माइनस 25 और ये हो जाएगा आपका प्लस x और यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये यहाँ पर 9 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 25 माइनस एक्स ये नंबर जो है, अब हमें नहीं पता कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, माइनस एक्स इज इक्वल टू आप 9 भी लिख सकते थे। दोनों नंबर से आप सॉल्व करके देख सकते हैं, दोनों से जो होगा वो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ देखें तो ये हो गया हमारा 2x और ये माइनस का 25 है, इधर चला जाएगा तो 9 माइनस 9 प्लस 25 और ये आपका कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये आपका 2x हो गया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 17। x की वैल्यू अगर 17 है तो यहाँ से आप बताएं कि 25 मतलब ये नंबर ये वाला हो गया, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 25 माइनस 17 करोगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 8। इसका मतलब एक नंबर 8 है और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। 8 एंड 17 इसका मतलब आंसर जो है वो ए है। चलो मान लो आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस मेथड ऐसे ना करके मतलब इस तरह से ना करके उन्होंने इस तरह से कर दिया, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से 25 माइनस एक्स माइनस एक्स, बस यहाँ पर आप ध्यान रखना कि आपको जो सॉल्व करना है ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए कि कहाँ पर माइनस करना है क्या प्लस करना है उसको अंदर ले जाएंगे। तो जब ये 25 है ये माइनस का है, जब ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लीकेशन में तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स इजकल टू जब लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में तो ये नीचे डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 2 होगा, तभी तो ये 17 आया। तो ये बेसिक्स हैं, ये आपको आने चाहिए क्लास 8 में हो आप या फिर आप उसके हायर क्लासेस में। ये छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 1 2 3 4 वालों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का 2x और यहाँ पर आपका 9 है, ये नंबर क्या है कुछ नहीं दिया तो ये प्लस का होगा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ रहा है माइनस का 2x आ रहा है ये। देखो एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस का 16 डिवाइड बाई माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारी होगी 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो 25 मतलब अदर नंबर क्या है 25 माइनस एक्स है, उसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 8 ये आ जाएगा 17। मतलब अगर यहाँ पर x की वैल्यू 17 है तो दूसरी वैल्यू अपने आप में 8 आ गई। अगर इस मेथड से करेंगे तो पहले x की वैल्यू 8 आ जाएगी तो दूसरी वैल्यू अपने आप में क्या हो जाएगी 17 होगी। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें इन दोनों को ऐड करें क्या आ रहा है 25 आ रहा नहीं आ, तो यही तो कह रहे थे वो कि द एडिशन द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। इन दोनों नंबर को ऐड करें क्या आ रहा है 25 आ रहा नहीं आ रहा, यस 25 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, मेन चीज़ यही है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, यहाँ गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट करें द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है 48। तो यहाँ क्या दिया, यहाँ इन्होंने डिफरेंस दिया, क्या दिया डिफरेंस इज इक्वल टू आपका कितना है 48 है। करें कि द रेशियो ऑफ टू नंबर, तो रेशियो गिवन है हमें नंबर, यहाँ पर देखो डिफरेंस दिया है रेशियो ऑफ टू नंबर्स। रेशियो ऑफ अगर टू नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 7:3, ठीक है। तो हमें जो है वो यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्शन दिया है, मतलब एडिशन नहीं दिया, डिफरेंस दिया है। तो डिफरेंस जैसे 52 माइनस 4 हो जाएगा तब भी 48 आ गया, या 76 माइनस आपको कितना करना है 48 करना है, या 49 माइनस 1 कर दो तब ये भी कितना आ रहा है 48 आ रहा है।
जब 56 माइनस 8 करोगे तब भी कितना आएगा, 48। तो ये डिफरेंस दिया है, तो यहाँ जो नंबर है ये डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो नंबर क्या होंगे उसको अभी हम देख लेते हैं। उनका रेशियो उन्होंने दे दिया कि रेशियो कितना है, 7:3 का रेशियो। तो हम इन नंबर्स को क्या मान लेते हैं, अगर कहीं रेशियो दिया तो ये नंबर हमारे 7x और 3x हो जाएंगे, तो ये दोनों नंबर हो गए। करेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, बहुत ही आसान है। तो आप क्या करेंगे, 7x दो को बड़ा 7x होगा, माइनस 3x करेंगे और इसकी वैल्यू आप किसके बराबर कर देंगे, 48। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका, 4x इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी, यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 48, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे डिवाइड में जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा 12। मान लो कि यही होता है 4 + x = 48, तब आप कैसे सॉल्व करोगे, तब ये देखो ये प्लस है, तो प्लस है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 48 - 4 हो जाएगा, तो ये 44 हो गया यहाँ पर x का आंसर। तो अगर प्लस है और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई होगा, 4x का मतलब क्या होगा, 4x का मतलब होगा 4 × x। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको अक्सर जो है वो बचपन में आप ध्यान नहीं देते हो और ये बाद में गलतियाँ आपसे होती हैं, आपको समझ नहीं आता फिर आप मैथ छोड़ देते हो, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू 12 आ गई, हमारे कुछ जो नंबर्स हैं वो क्या है, 7x है, दूसरा नंबर क्या है, 3x है, तो 7 × आप 12x की वैल्यू रख दो तो कितना हो गया, 12 × 7 = 84 और 12 × 3, तो 3 × आप यहाँ क्या करेंगे, 12 करेंगे, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 84 × 36 आ रहा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, और इससे पहले वाले का आंसर भी हमारा ए आ रहा था, ए ऑप्शन दोनों में करेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगी, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जो है वो आप ग्रुप में जाकर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो डायरेक्टली मुझे PDF के फॉर्म में मुझे वहाँ जाकर मुझे टेलीग्राम पे PDF सेंड कर देना, जब भी वक्त मिलेगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लूँगा और आपको जो है वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये पूरी सीरीज़ जो है वो मैथ की कंटिन्यू करें, ऐसी साइंस की सीरीज़ है उसको भी हमें कंटिन्यू करना है। आई होप कि आपको ये सारी वीडियोज़ पसंद आती होंगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अहमद साइनिंग ऑफ।